slow delivery screen. Hit back, and I think it's got Schumacher on his leg. आज के इस वीडियो में आप देखेंगे खेल की दुनिया के सबसे खूबसूरत पल। बाइक रेसिंग में हुए हादसे के कारण एक रेसर अपनी बाइक के नीचे दब गया, जिसकी मदद एक दूसरा रेसर करता दिखाई दिया, क्योंकि उसके लिए रेस से ज्यादा जरूरी था इस रेसर की मदद करना। यहाँ टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल शुरू होने से पहले दर्शकों के बीच खड़ी एक महिला पर गौर किया, जो कि अपने बच्चे के खो जाने के कारण काफी परेशान दिख रही थी, और राफेल ने खेल तब तक शुरू नहीं किया जब तक उनकी बच्ची उनको मिल नहीं गई। ऐसे में पूरा का पूरा स्टेडियम उस बच्ची को खोजने लग गया और वह जल्दी मिल गई। इस टेनिस मैच के समाप्त होने के बाद हारे हुए प्लेयर ने अपना कद कम होने के बावजूद जीतने वाले प्लेयर को कुछ इस तरह से बधाई दी। I would first of all like to congratulate the Indian team for playing exceptionally well. And may I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut. But if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. इस कॉलेज रेस के दौरान एक धावक थक हार कर घुटने के बल रेंगते हुए भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना चाहती थी, जिसकी भावना को सम्मान देते हुए विपक्षी टीम की दो प्लेयर्स ने उनकी मदद की। What a tremendous show of sportsmanship as you've got an athlete who can't quite make it and they've got a girl from another team trying to help her to the finish line so she can finish the race. That's what the sport is all about. Oh my goodness. This is just incredible. खेल के बीच में ही यहाँ एक फुटबॉल खिलाड़ी को अपनी चीयर्स लीडर गर्लफ्रेंड की याद आ गई और उसने जाकर उसे गले लगा लिया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत क्षण था। That's his girlfriend. He probably read the stories this week. He's going, oh yeah, thanks. He's been talking about Kelsey. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं यकीन है तो आप करके देख लीजिए। यूरोपियन खेल 2015 में जब एक फाइटर बुरी तरह से घायल होने के कारण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, तो उसके सामने वाले फाइटर ने अपने कंधों पर उठाकर उसे पास के एक मेडिकल तक पहुंचाया। यहाँ एक बास्केटबॉल प्लेयर ने मौका मिलने के बावजूद भी बास्केट नहीं किया और विपक्षी टीम के गिरते हुए प्लेयर को संभालते हुए दिखाई दिया। स्टेट लेवल की इस रेसिंग प्रतियोगिता में एक धावक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करती हुई दिखी। The crowd is giving her all they can here at the finish. As soon as she crosses, they will scoop her up and take her to the medical tent. इस रेसर ने बाद में एक साक्षात्कार में बताया कि यह मेरे कोच का आखिरी सीजन था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें ऐसा कहे कि आपकी स्टूडेंट तो फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंच पाई। महिला वॉलीबॉल के इस मैच में बॉल सीधा एक खिलाड़ी के मुंह पर लगा, जिसको देखने के लिए कोच और सारे प्लेयर जमा हो गए।
यहाँ जब एक बच्चा अपने चहेते फुटबॉल खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेने पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे मैदान से बाहर करने में लग गए, लेकिन अपने फैन के साथ हो रही इस नाइंसाफी को यह प्लेयर नहीं देख सका और उसने अपने इस नन्हे फैन को खुश करके ही यहाँ से भेजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल अमेजिंग सेक्टर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।